हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि और आपका स्वागत है मेरे चैनल फूड एंड क्रिएटिविटी कॉर्नर में। तो फ्रेंड्स, आज है मोक्षदा एकादशी, मेरा फास्ट है और तुलसी पूजन भी है और है आज मैरी क्रिसमस। तो आप सभी दोस्तों को मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस। तो चलिए देखते हैं कि आज का दिन मैंने कैसे स्पेंड किया। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले दर्शन कर लीजिए मेरे ठाकुर जी के। तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं अपनी विंटर की ड्रेसेस में। और ये देखिए मैंने पूजा भी कर ली है। और ये देखिए आज की पूजा में विधान है कि तुलसी की मंजरी के साथ विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए और पीले कलर के फूल उन्हें अर्पित करने चाहिए। तो मैंने काफ़ी सारी मंजरी उनको चढ़ाई है। और ये देखिए कैप लगाए हुए हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये जो ड्रेसेस हैं वो मेरी मम्मी ने बना के भेजी हैं, मैं भी बनाती हूँ लेकिन अभी उन्होंने ही बना के भेजी हैं ये। आज गीता जयंती भी है और कहते हैं कि आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसीलिए मोक्षदा एकादशी के दिन ही गीता जयंती मनाई जाती है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि आज के एकादशी में कौन से पाठ करती हूँ मैं। तो ये एकादशी महात्म की व्रत कथाएं हैं, ये इसमें से मैं जो कहानी होती है वो पढ़ती हूँ। और आज गीता जयंती है तो मैंने गीता की भी पूजा की और उसको भी एक मैंने पाठ किया। और एक और मैं पाठ करती हूँ आज ही के दिन। ये देखिए पंचदेव अथर्वशीर्ष संग्रह है, इसमें गणेश जी, शंकर जी, विष्णु जी, सूर्य भगवान और माँ दुर्गा के अथर्वशीर्ष का वर्णन है। बहुत ही अच्छी बुक है ये। तो आज मैंने विष्णु जी के अथर्वशीर्ष को पढ़ा और करी तुलसी जी की पूजा, क्योंकि आज तुलसी जी का पूजन है। तो बस उनको चुनरी ओढ़ाई और जो श्रृंगार का सामान था वो भी चढ़ा दिया और कर दी आरती। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं किचन की तरफ और बनाते हैं विंटर स्पेशल गाजर की खीर। बहुत ही इजी है इसको बनाना, इसे गजरेला भी बोलते हैं लेकिन हमारे यहाँ तो गाजर की खीर ही बोला जाता है। तो चलिए जल्दी से बना लेते हैं। तो दूध को मैंने उबलने रख दिया है, लगभग 1 लीटर दूध है ये। और इसमें मैंने ऐड कर दी है थोड़ी सी मलाई। मलाई डालने से बहुत अच्छा टेस्ट भी आ जाता है और थोड़ा दूध भी गाढ़ा हो जाता है। और ये देखिए मैंने जो गाजर ली है उनको मैंने अच्छे से धो करके छील कर और कद्दूकस करके रख लिया है। दूध में भी देखिए अच्छा सा उबाल आ रहा है, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए दूध और अब हम उसमें ऐड कर देंगे गाजर। बहुत ही इजी है और इसे बहुत ही टेस्टी बनती है ये खीर, बहुत ही जल्दी भी बन जाती है। ये देखिए मैंने लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट, आपको जो डालना हो आप वो डाल सकते हैं। और इसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में अच्छे से कट कर लिया है और हम इनको अच्छे से भून लेंगे। आप ऐसे भी डाल सकते हैं ड्राई फ्रूट्स को, लेकिन थोड़ा सा भून कर डालने से टेस्ट अच्छा आ जाता है इसलिए इनको भून लेते हैं। बीच बीच में हम खीर को भी चलाते जा रहे हैं जिससे कि वो लग ना जाए नीचे। ये देखिए गाढ़ी भी हो गई है, बहुत कलर भी इसका चेंज होने लगा है। थोड़ी सी चीनी ऐड करेंगे क्योंकि गाजर मीठी होती है, इसलिए मुझे ज़्यादा चीनी नहीं डालनी है इसमें। अभी हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी पिसी हुई इलायची और ड्राई फ्रूट्स, थोड़े से हम अभी डाल देंगे, थोड़े से गार्निशिंग के लिए रख लेंगे। ये देखिए बनकर के तैयार है और ये अभी ठंडी हो जाएगी, थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी। व्रत के लिए तो ये बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, बहुत हेल्दी भी होती है और सीजनेबल है, तो आप ज़रूर इसे बनाइए। आप इसे ठंडा करके भी सर्व कर सकते हैं या फिर गरम खाना चाहें तो गरम भी खा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हो गई है शाम और हम अब करते हैं क्रिसमस की तैयारी। बेटी का बहुत मन था कि क्रिसमस मनाना है, सेलिब्रेट करना है, तो मैंने भी उसे मना नहीं किया। तो रूम के कॉर्नर को मैंने खाली किया, मुझे वैसे भी खाली करना था क्योंकि मुझे यहाँ एक सिटिंग एरिया बनाना है, तो क्रिसमस के लिए मुझे यही जगह सही लगी तो मैंने यहीं उसको खाली कर लिया। सारे सामान को यहाँ से हटाया और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर क्लीनिंग कर दी।
देखिए गाइस, यहाँ पर एक सेंटर टेबल मैंने जो बनाई थी वो जुगाड़ की थी, और ये एक पेंट की बाल्टी है उसे मैंने रख दिया है, उसके अंदर मैंने अपनी जो एक्स्ट्रा बुक्स थी उनको रख दिया है, और एक स्कर्ट से उसको ढक दिया था। तो ये बहुत ही अच्छी टेबल का काम कर रही थी, बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था कि इसके नीचे क्या रखा है। काफ़ी जगह मैंने ये बना के रखी है, दिखाऊंगी किसी दिन आपको। कुछ लोग मानते हैं कि हमें क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि सभी धर्मों को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। जब हम सेलिब्रेट करेंगे तभी हम बच्चों को भी सिखा पाएंगे, तो कभी भी उन्हें मना नहीं करना चाहिए कि आप ये अलग धर्म को नहीं मनाएं। क्योंकि फ्रेंड्स, मेरा मानना है, जहाँ तक मैंने सभी धर्मों को जाना है, तो सबका सार एक ही निकलता है कि ईश्वर एक है, और हम लोगों ने ही धर्म के मूल को समझने की बजाय ईश्वर को ही बांट दिया है। जब प्रकृति और परमात्मा ने हमें अलग नहीं किया है तो हम क्यों सबको बांटते रहेंगे। जब प्रकृति सभी धर्मों के लिए है तो ईश्वर, अल्लाह, जीसस और वाहेगुरु अलग कैसे हो सकते हैं। धर्म हमें बांटना नहीं, प्रेम करना सिखाता है। तो फ्रेंड्स, मैं तो यही कहूँगी कि हमें सभी धर्मों का आदर करना चाहिए और सभी धर्मों को सेलिब्रेट भी करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर सेलिब्रेशन की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं, और जितना भी जो डेकोरेशन किया है वो सब मेरी बेटी ने किया है, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया। वाला पिलो केस बनाया है उसने, और मैंने डिज़ाइन बना दी थी और उसने पेंट कर लिया है इसे। तो ये कुशन कवर भी बन गया, और एक रेड कलर का भी पिलो केस बनाया है, उस पर वो मैरी क्रिसमस लिखना चाहती थी लेकिन टाइम नहीं मिला तो नहीं लिख पाया उसने। और ये लॉलीपॉप रखी हुई है, उसका बहुत मन था सेलिब्रेट करने का कि मुझे मनाना है। और ये कुछ गिफ्ट्स रखे हुए हैं, और ये मेरी वही जुगाड़ वाली टेबल है, और किसी को पता भी नहीं चलता है कि इसमें क्या है। और ये देखिए फ्रेंड्स, जो क्रिसमस ट्री बनाया है उसने, तो ये मेरा एक पेड़ बनाया था मैंने, इसका एक सेपरेट वीडियो भी डला हुआ है कि मैंने ये पेड़ कैसे बनाया है। आप अगर उसे देखना चाहें तो मेरे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। और इसमें ही उसने ग्रीन लाइट लगा दी है, पहले मैंने इसमें पिंक लाइट लगा के रखी थी, उसने सारी निकाल करके ग्रीन लाइट से सजा दिया इसे, और छोटे छोटे से ये देखिए गिफ्ट बना करके और इस पे पेड़ पे लटका दिए, बहुत सुंदर लग रहा है। और एक ये टैसल गार्लैंड भी बनाया है, ये भी बेटी ने ही बनाया है, बहुत सुंदर, बहुत क्यूट सा है ये। और पूरी लाइटें ये विंडो पे लगा करके बहुत सुंदर सा यहाँ डेकोरेशन कर दिया। ज़्यादा किसी को नहीं बुलाया था, और मैंने और मेरी बेटी ने ही मिलकर के क्रिसमस मना लिया। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा आज का ये वीडियो, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। आप मुझे फेसबुक, इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।